सबसे पहले हम अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए यूज़ करें मेकअप रिलेशन का फोकस एंड फिक्सिट आईब्रो सेपिंग किट है, काफ़ी अच्छा आईब्रो सेपिंग किट है। पाउडर बेस है तो इसको सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँ लैकमे करीना कपूर खान का ब्रो डिफाइनर, ताकि मेरी आईब्रोज जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहे। इसका जो कलर है इसको अच्छे से एक स्पूली की हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर आई प्राइमर के लिए यूज़ करूँ स्टेक वर्गी का न्यू लॉन्च आई शेडो प्राइमर, और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अब मैं यहाँ पर आई शेडो के लिए यूज़ करूँ फेसेस का क्रेयॉन आई शेडो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बिगनर के लिए बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस टाइम के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, आसानी से आप लगा सकते हो, उसमें कोई भी ब्लेंडिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको चलाना ही होता है अपने हाथ से, थोड़ा सा आप देख सकते हो, काफ़ी ईजी है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसमें कई सारे शेड रेंज है, तो आपका जो मन करे आप ले सकते हो। अब यहाँ पर मैंने आई शेडो के लिए यूज़ किया मूडा कॉस्मेटिक का आई शेडो, और ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर आई लाइनर के लिए यूज़ करूँ स्टिक क्वर्की का न्यू लॉन्च स्केच आई लाइनर, और ये भी काफ़ी अच्छा आईलाइनर है, इस पर फुल कंट्रोल होता है, तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। अभी इस पर तो डिस्काउंट भी चल रहा है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलना इन सभी प्रोडक्ट की परचेज लिंक जानने के लिए, या फिर कोई प्रोडक्ट लेना है देख ले एक बार कि ऑफ़र क्या चल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अब इसके बाद मैं यूज़ करूँ विटन वाइल्ड का मस्कारा, और मेरा फेवरेट मस्कारा है, ख़त्म होने वाला है तो मुझे दूसरा ऑर्डर करना है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका जो एप्लीकेटर है उस पर फुल कंट्रोल होता है। तो अब मैं यहाँ पर काजल के लिए यूज़ करूँ करीना कपूर खान का काजल है। अब मैं यहाँ पर वही क्रेयॉन लेके फिर से अपनी आईज़ के नीचे स्मज कर ले रही हूँ, ताकि एक अच्छा सा लुक आए। अब मैं मोड़ा कॉस्मेटिक का ये सिल्वर शेड लेके अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर पे लगा ले रही हूँ, ताकि मेरी आईज़ पॉप आउट लगे। अब मैं यहाँ पर अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ करूँ गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम, ये काफ़ी अच्छा सीरम है। इसके बाद मैंने यूज़ किया ये है थैंक यू फार्मर का डीप मॉइस्चराइजर, है मेरा ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइजर है। इसके बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया है, ये है कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर, आप लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा अच्छा है। अब मैं यहाँ पर फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ शुगर का फाउंडेशन स्टिक, और ये भी मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम गर्ल्स का फाउंडेशन ब्रश, अगर आप चाहें तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस का अल्टीमेट पाउडर है, आप देख सकते हैं, और ये भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, इसे मैं कम ही यूज़ करती हूँ, तो इसे मैं लगा रही हूँ फोकुलर के स्पंज की हेल्प से। अब मैं यहाँ पर मेकअप रिलोशन का ब्रोंजर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐश्वर्या का फेस काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे तो ब्रोंजर किया हुआ है, तो इसलिए मैं ब्रोंजर यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से अपने पूरे फेस को फेस पे लगा ले रही हूँ, उसके बाद नोज़ भी कंटूरिंग कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं ब्लश के लिए यूज़ करूँ पल्लाडियो का ब्लश। अब मैं यहाँ पर लाइनर के लिए लिप लाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ लैकमे 9 to 5 लिप लाइनर रेड शेड, और मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि वॉइस ओवर में आपको टाइम लिमिट काफ़ी कम मिलती है, तो आपको जल्दी ही बोलना पड़ता है, इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं करती। लेकिन जब मैंने इस वीडियो को शूट किया था तो उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैंने बोला नहीं था। अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया है यह है मेबलिन का मेटेलिक रेंज में से लिपस्टिक, मेरा शेड है लावा, और ये काफ़ी प्यारा शेड है। अब यही थोड़ा सा आई शेडो लेके मैंने लगा लिया है। अब पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है यह है वेटन वाइल्ड का मेकअप सेटिंग स्प्रे, इसको अच्छे से एक स्पंज की हेल्प से अंदर अपनी स्किन में अब्जॉर्ब करा लेना है। तो डंडड़ा, तो गाइज यह है मेरा फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून।